नंबर वन मोटो ब्लॉगर हम लोग हैं इंडिया के, एंड मैंने कभी किसी को आंसर नहीं करा। देखो लास्ट में लोगों का प्यार है जो तुम्हें नंबर वन बनाता है। पर एक मैच पक्का हो चुका है भाई के साथ, लॉबी बनाएंगे वन की वर्सेस वन, डन डन। और देखो मैं कैसे हराऊंगा। बड़ी फाइट हमें यूट्यूबर्स के बीच देखने को मिली, व्हिच इज एल्विश एंड मैक्सटन, और आपने एज अ भाई बहुत सपोर्ट भी किया। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode. आज इस vlog की शुरुआत हो रही है straight forward from airport guys. हम लोग पहुंच चुके हैं airport. मेरी और इतिका की फ्लाइट है। आज सतीश जी ने जो गाड़ी चलाई है ना वो एकदम फुल पावर गाड़ी भाई, डेढ़ टाइम से आगे भैया, टाइम से पहुंच चुके हैं गाइस हम लोग एयरपोर्ट। फिलहाल हमारी बॉम्बे की फ्लाइट है। सतीश जी आपको लैम्बो शिफ्ट करानी है चेन्नई के लिए, मैं आपको अपडेट भेज रहा हूँ, सही है? अभी आप सीधा वहीं पहुंच जाओ लैम्बो के पास, फिर मैं आपको अपडेट। फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग फ्लाइट चेक इन कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट है 12 बजे की, टाइम से पहुंच गए। चलो सिया, ओके सतीश जी मिलते हैं सिया, ठीक है? राम 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 राम, मिलते हैं, लेट्स गो। ओके बॉयज वी आर चेकिंग इन एंड चेक इन करके मिलते हैं आपसे। ओके बॉयज हम लोग कर चुके हैं अपना चेक इन, एंड मैं आपको बताता हूँ इंडिगो वाले तो मोहब्बत भाई, हम लोगों ने जब लाइन देखी ना तो हम लोगों ने सोचा आज तो हमारा चेक इन नहीं होता, बट फिर एक जानने वाला भाई मिल गया था इंडिगो से, उसने फट 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 चेक इन करा दिया। नहीं तो पता है 12:30 बजे तक नहीं चेक इन करते हम लोग, 1:30 बजे तक चेक इन करते तब तक हमारी फ्लाइट उड़ जाती। फिलहाल सब कुछ हो चुका है गाइस, सिक्योरिटी चेक, वी आर गोइंग फॉर द चेक इन, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लॉट ऑफ पीपल आर मीटिंग, बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से मिलके। फिलहाल की अपर फ्लाइट आर 12:30, प्लेन बोर्ड करते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइस हम हमेशा ना फ्लाइट में पीछे बैठते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट ही लास्ट मोमेंट की होती है। बॉयज एज यू ऑलवेज नो, जब भी हम लोग इंडिगो के साथ फ्लाई करते हैं इंडिगो वालों को हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो ये चेक करें यार, ये चेक करें, अंदर खोल के दिखाओ मैं, दिखा ये देख रही हूँ। तुमने तुम्हें कभी ऐसे प्यार भरे खत मिले? मतलब इट्स अ गुड नोट इंडिगो 16, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज अ फॉर्म। बस नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है, DO पहले आता है, PNR नहीं चेक करा इन लोगों ने हमारा। ओके बॉयज पहुंच चुके थे हम लोग बॉम्बे गाइस, फट फट एयरपोर्ट से चेकआउट करा, एंड द थिंग इज हमारे भैया हमारे लेने आ गए थे लास्ट टाइम, यही हमारे बाउंसर थे, तो बॉम्बे में भी अब इज गोना बी परमानेंट। सो हम लोग जी पहुंच चुके थे गाइस हम लोग होटल में, एंड चेक दिस आउट, हो चुके हम लोग तैयार इवेंट में जाने के लिए। गाइस ये चेक करो बाबू भैया, और ये चेक करो रितिका कितनी सुंदर लग रही है। Guys, comment down, कैसा लग रहा हूँ। फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं इवेंट में जाने के लिए, नीचे सिक्योरिटी आ चुकी है, हमारी कैब भी आ चुकी है, निकलते हैं फटाफट इन चलते हैं यार। सो हम लोग जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, एंड मैं आपको बताता हूँ हम लोग जब तक होटल में पहुंचे ना तब तक हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर करा। रितिका ने अपना क्या ऑर्डर करा था? फ्राइड राइस। रितिका ने अपना फ्राइड राइस ऑर्डर करा, और मैंने अपना फ्रेश लाइम और चाय और हनी चिली पटाटो। जब तक वो रूम में आएगा इस तब तक हम लोग ऑलरेडी निकल चुके थे। सुबह से केवल एक मैगी खाई है, एक आधी मैगी और 2 चम्मच मैगी, उससे ऊपर कुछ नहीं खा रखा, इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है ना। बट द थिंग इज आज वाला जो इवेंट है वहाँ पर CM सर भी आ रहे हैं, तो बहुत टाइट प्रोटोकॉल है। आजकल CMs के साथ थोड़ी सी बातचीत चल, बट द थिंग इज ये क्रिएटर्स यूनाइटेड का इवेंट है फॉर विच आई वॉज इन्वाइटेड। आई रियली थैंक फॉर इन्वाइटिंग मी टू सच इवेंट्स। अवार्ड का भी कुछ पता नहीं, मे बी शायद होगा तो मिल जाएगा, बाकी देखेंगे। बहुत सारे और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, चलते हैं वहाँ पर और सीन चेक कराते हैं यार आपको। हाँ भाई कैसा लग रहा है रेड कारपेट पे चलने के लिए? मेरे को ऐसा हो रहा है शूट करने में कैसा लगेगा। ठीक है मेरी कैमरा मैंने गाइस फिलहाल के लिए आज के लिए इसने सब कुछ शूट करना है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। फिलहाल भी रेड कारपेट पे एंट्री हो रही है गेट नंबर 2 से, पहुंच चुके लोकेशन पे, लेट्स गो। अच्छा क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। गणपति याद है ना? अरे भाई डेफिनेटली याद है सर, बिग बॉस में जो हुआ भूल जाओ, आपके साथ है। आई नो भाई, तुम लोग पूरा सिस्टम आपके साथ है। आई नो भाई, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। बाबू ये फोटो ले, अच्छा भाई एक मिनट, फोटो फोटो
बाहर इतने सारे लौंडे खड़े तो यार हम लोग पहुंच चुके थे इवेंट में और रितिका से मैंने ना दो लोगों के बारे में बहुत सुना था, विवेक और खुशी के बारे में। अब मीटिंग देम पर्सनली, रितिका ने मेरे को बहुत बहुत बताया था इन दोनों के बारे में। रितिका क्या क्या रिश्ता है तुम्हारे इन दोनों का? रिश्ता आइडल कपल सकते हैं मेरे को बहुत ज्यादा। हम लोग टिकटॉक के टाइम मिले थे मे बी, है ना? अच्छा लगा खुशी आपसे मिलके, होप आपकी जिंदगी में और भी खुशियां हैं। मैं हूं ना भाई, टेंशन कॉम्पेंसेट राइट। एक इंसान गाइस, एक इंसान लक्ष्य भाई शादी में लक्ष्य का तो ठीक है। ओहो गाइस चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग चुप के खा रहे थे, कोई देखे ना भाई शादी में आ रहे हैं, हम भी खाते हैं गाइस। कैसे हो रहे, मस्त हो रहे? बढ़िया। लेट्स ट्राई। नहीं भाई नहीं, शादी में आ रहे हो तुम? जिनको हम लोगों ने पबजी देख करके खेलना सीखा था ना गाइस, उनके साथ बोल रहे हैं एक मालिक एक मैच, जरूर मालिक एक मैच, एक मालिक एक मैच, एक टीम में रख लेना बस, बिग पैन वाली मीटिंग आ जाएगी पक्का, जरूर करेंगे पबजी लगा। एक मैच पक्का हो चुका है भाई के साथ, लॉबी बनाएंगे 1v1 डन डन, और देखो मैं कैसे हराऊंगा। आस्किंग अ गॉड, मुझे पता है क्लच में ऐसा पेलेंगे ना 30-0 की गेम, बट स्टिल आई वॉन्ट टू प्ले विद देम बिकॉज जब मतलब ही वॉज दी गाय जिनको हम लोगों ने ना गेमिंग हम सोचते थे कि कभी ऐसा खेलेंगे, ही इज वन ऑफ दोस गाइस हु इज रिप्रेजेंटिंग होल गेमिंग इंडस्ट्री, वन ऑफ दोस, बहुत सारे लोग और भी है बट आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स बट लोगों को दिखेगा कि आपके अंदर का गेमर भी बाहर दिखेगा, लोगों साइड नहीं देखा है, लोगों को दिखेगा यार भाव आएगा गेमिंग साइड भी अपना। डन डन गाइस, गेमिंग चैनल भी खोलेंगे भाई के साथ, स्ट्रीम करेंगे। बहुत टाइम बाद मैंने कोई ऐसा इवेंट अटेंड करा है एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग रैंडम आए यहाँ पर, किसी को पता भी नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, बट कितना मजा आने रहते हैं, सब के सब यू नो लाइक बहुत प्यार है कम्युनिटी से। बट कम्युनिटी के अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और चेक कराता हूँ, यू नो अपने लौंडे भी बहुत सारे लौंडे आ रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली जहाँ से हम लोग एंटर हुए ना वहाँ से तो खतरा खतरा सीन्स थे गाइस, पहुँचा दिया लोगों ने। गाइस मीट द पीपल जो बिग बॉस के पीछे, एंड ये थी मेरी कोर टीम जो संभाल रही थी भाई, वंशज का वंशज वाज द मेन कोर टीम, वंशज का नहीं आया। अच्छा बिग बॉस के बाद कार कलेक्शंस बाइक कलेक्शन बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं थोड़ा उसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए। डेफिनेटली कार कलेक्शन बढ़े, कार आई बॉट अ न्यू लैम्बो एंड अ सुप्रा MK4, तो ये दोनों गाड़ियां भी फिलहाल के लिए कलेक्शन में ऐड। अच्छा सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज दी नेटवर्थ ऑफ राइडर, थोड़ा सा खुलासा करेंगे क्या? बस इतना है कि दो टाइम की रोटी खा लेता हूँ। वही अपनी नेटवर्थ बड़प्पन। अच्छा रिसेंटली एक बहुत बड़ी फाइट हमें यूट्यूबर्स के बीच देखने को मिली विच इज एल्विश एंड मैक्सटन, और आपने एज अ भाई बहुत सपोर्ट भी किया, तो क्या चल रहा था उस मन में जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी? देखो YouTube एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, भाईचारा है सब में, बट कभी कभी ऐसा रहता है कि अनबन हो जाती है। सो हम मैक्सटन और एल्विश भाई के बीच में जो भी चीज़ें भी वो उस लेवल तक नहीं होनी चाहिए थी, कभी कुछ चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, एल्विश भाई यू नो सेड सॉरी अबाउट इट, तो ठीक है यू नो अगर इंसान अपनी गलती मान लेते हैं तो वी शुड फॉरगिव हिम, बट ये कि फ्यूचर में कभी ऐसी चीज़ रिपीट ना हो। हम लोग गोलगप्पे खाने के बाद आ चुके हैं अवार्ड वाली, मतलब मैं नहीं गए, हम लोग पहुंच चुके हैं
आगे वाली फ्रंट सीट पे, आगे हम लोग इसलिए नहीं बैठ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन मिल जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, ये तो झेल लेती है, मेरे से नहीं झेला जाता। फिलहाल अभी अवार्ड के लिए बैठे गाइस, कुछ आइडिया नहीं है अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या लगता है अवार्ड मिलेगा? देखते हैं गाइस अवार्ड मिलता नहीं मिलता। They do a fantastic job of teleporting us to wonderful places through their cameras while giving us a sneak peek into some fabulous bikes and cars. क्या लगता है, क्या लगता है? Petrol Head Creator of the Year. क्या लगता है? क्या लग रहा है? नाम आने वाला है। And the award goes to Anurag Gobha. Yo. आपको एक्चुअली बता दूं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हूं एंड मैंने वोटिंग भी नहीं डाली, बट ब्रोसेना इज ओजी, जहां पर भी उन्हें दिखता है ना कि भाई बाबू भैया की सपोर्ट की जरूरत है, वो वहां पर जाकर के कॉमेंट्स, वोट्स, लाइक, शेयर। मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। आई रियली कांट थैंक यू फॉर दिस। कहाँ से शुरू करा था गाइस, मैं किसी को यहाँ पर नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने ना मॉक करा है चीज़ों को लेकर के कि भाई ये तो नंबर वन मोटो व्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड है, ये है वो है, नंबर वन मोटो व्लॉगर हम लोग हैं इंडिया के, एंड मैंने कभी किसी को आंसर नहीं करा। देखो लास्ट में लोगों का प्यार है जो तुम्हें नंबर वन बनाता है, ये अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें केवल लोगों का प्यार मैटर करता है। बट थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा इस अवार्ड के लिए, एंड वी वन इट गाइस, वी वन द अवार्ड। सो हम लोग जी निकल चुके हैं गाइस, हम लोग अवार्ड लेकर के, ये चेक करें आप, कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड? कैसे बोला, मैंने बोला था ना कि तुम जीतोगे, मुझे तो पता भी था अवार्ड मिलेगा, बट शुक्रिया यार, शुक्रिया। मंदिर जाने के बाद भगवान जी ने सारे काम सफल कर दिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, जिससे भी मैं मिलता हूँ ना, एवरीवन, लाइक लोग मेरे को ये बोलते हैं बाबू भैया आपके बिग बॉस की जर्नी वाज इंस्पिरेशन, आपने हार नहीं मानी, ये नहीं मानी, वो जो वर्ड्स रहते हैं ना मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहते हैं कि यार समझ रहे हो कि अगर आप जिंदगी में सही काम कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग आपको बहुत नीचा दिखाएंगे, लोग आपको बहुत तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सही हो ना तो आप चल जाओगे और आप अचीव कर लोगे जो आप वो चीज़ सोच रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ये पहला अचीवमेंट है इस हफ्ते का, इस हफ्ते में जो चीज़ें आने वाली है, कितनी चीज़ें हैं, कल वाली एक चीज़, फिर उसके बाद परसों भी एक चीज़, फिर उसके बाद लखनऊ में एक चीज़, फिर उसके बाद चेन्नई में एक चीज़, फिर उसके बाद एक और चीज़, पाँच, मतलब मैंने बहुत टाइम से, और बाकी सुपरा तो आ ही रही है गाइस, एवरीवन इज आस्किंग सुपरा कब, सुपरा कब, राइड्स भी हैं, कांट टेल यू यार, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी। इस पूरी जर्नी ने मेरे को सिखा दिया है कि भाई यू हैव टू फाइट नो मैटर वॉट, एंड एक चीज़ बोलूंगा भाई, लोग तुम्हें कितना भी बोलते रहे ना, तुम्हें बस अपने अपने उसकी सुननी है और अपना काम करते जाना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लोग आज की डेट पे भी ताना कस रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ये बात याद रखना, केवल खुद पे फोकस करना, ये मत सोचना कि सामने वाला बंदा तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, बस अपने पे भरोसा करना, और ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर फोकस रखोगे ना, धीरे 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 तुम सारी वो चीज़ें अचीव करते जाओगे, अपने पास तो है अचीवमेंट आने वाली। सो हम लोग जी पहुंच चुके थे हम लोग फाइनली होटल रूम में, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन लोगों ने सपोर्ट करा, आप लोगों के कारण ही आज मैं अवार्ड जीत पाया, और भी बहुत क्रेजी चीज़ आ रही है इस हफ्ते में। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ गाइस, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर गिव अवे चल रहा है, नॉट ओनली दिस, वहाँ पर आपको एक गेम भी मिल जाएगा लकी जेट, एंड अगर आप उस पर डिपॉजिट करके खेलते हैं गाइस तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, जहाँ पर 50 लाख रुपये का गिव अवे चल रहा है। ऑलरेडी लोगों को बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा गाइस, जाओ जाकर के ज्वाइन करना एंड गेट अ चांस टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।